माइंस में एटीएस और पुलिस की संयुक्त छापेमारी। शहर के किसी चर्चित व्यक्ति की हत्या की योजना बना रहे चार हत्यारे गिरफ्तार। पुलिस ने बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के लाल बाबा फाउंड्री के पास छापेमारी कर चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले बदमाशों में सिद्धगोड़ा के भुइयाडी के नंद नगर का रहने वाला राजू प्रसाद, बिरसा नगर के साधु डेरा का रहने वाला राहुल कुमार यादव, बर्मा माइंस के ईस्ट प्लांट बस्ती का रहने वाला जे राहुल और सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के भुइयाडी कानू भट्टा का रहने वाला रोहित भुइया है। मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एसएसपी प्रभात कुमार ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर का एक कारतूस और दो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जमशेदपुर में कुछ लोग किसी की हत्या करने के इरादे से घूम रहे हैं। उस पर एटीएस और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने लाल बाबा फाउंड्री के पास छापेमारी की। टीम का नेतृत्व सिटी एसपी के विजय शंकर कर रहे थे। बदमाशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। में कुछ अपराधी किसी की हत्या करने के प्लान से घूम रहे हैं, उस पर एटीएस और जमशेदपुर पुलिस का एक विशेष टीम बनाया गया था, जिसका नेतृत्व सिटी एसपी जमशेदपुर कर रहे थे। उस टीम में विशेष करके एएसपी सिटी, बर्मा माइंस के थाना प्रभारी और बिरसा नगर के थाना प्रभारी और उनके साथ बर्मा माइंस, बिरसा नगर और अन्य थाना के कुछ पदाधिकारी शामिल थे। ये दोनों प्रतिष्ठानों के ज्वाइंट एफर्ट से हम लोग एक जमशेदपुर में बहुत बड़ी घटना होने से पहले ही रोक लिए। इसमें कुल चार अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इनका पहले से भी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस और दो मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल के माध्यम से हम साक्ष्य मिले हैं और पुलिस इस पे और काम कर रही है। इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं और कैसे इनको इस पूरे षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, इसके लिए हम लोग विस्तृत रूप से तहकीकात कर रहे हैं। थैंक यू। क्या घटना, किनके किसी की हत्या की योजना बना रहे थे? अभी यहां नाम बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बोला कि अभी इसमें पुलिस और विस्तृत जाँच कर रही है कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या कारण हो सकता है, षड्यंत्रकारी में कौन इसमें पीछे से हो सकते हैं, तमाम चीज़ों पे हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसमें बहुत बढ़िया इनपुट एटीएस के द्वारा दिया गया था, जिसके आधार पे एटीएस और जमशेदपुर पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। अभी इसमें कुछ भी विस्तृत बताना सही नहीं होगा, बताना था उतना नहीं बताया। जमशेदपुर का है क्या, कुछ पता चलता है कि किसने दिया था पैसा, क्या किसने पैसा दिया था हत्या करवाने के लिए? सब अभी जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास अवेलेबल था और जो हम शेयर कर सकते हैं उसको हमने बता दिया। विस्तृत अभी हम लोग और इस पर जांच कर रहे हैं और इसमें कुछ और खुलासा होगा तो डेफिनेटली आपको जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्र से। इसमें जैसा आप देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, जैसे गोरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, बिरसा नगर का भी एक लड़का है, बर्मा माइंस का भी एक लड़का है, तो अलग अलग थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की गई। डील कितने में हुई थी वो सब अभी विस्तृत बताना सकते हैं। मंगला हाट मांगो में एक ऐसा दुकान जहां मिलता है फ्रेश ब्रांडेड कपड़े के साथ साथ फैक्ट्री माइनर रिजेक्शन ब्रांडेड कपड़े, वो भी एकदम वाजिब दामों में। जी हां, मांगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 मंगला हाट में आपको मिलेंगे लड़के लड़कियों और बच्चों के लिए सभी प्रकार के कपड़े, वो भी सिर्फ 30 रुपए, 50 रुपए, 99 रुपए, 150 रुपए एवं 200 रुपए के ऊपर के वाजिब दामों। तो एक बार जरूर पधारें जवाहर नगर रोड नंबर 14 मंगला हाट में, खरीदारी करिए ब्रांडेड माइनर रिजेक्शन और ब्रांडेड फ्रेश कपड़े एकदम कम और वाजिब कीमतों पर। आप ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।